तो श्रीलंका के कोलंबो में 13 जुलाई से 23 जुलाई के बीच खेले जाने वाले एमर्जिंग एशिया कप 2023 के लिए दोस्तों बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी द्वारा इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है और ना सिर्फ टीम का इवन यहां पर इस पूरे इवेंट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो बात करें एमर्जिंग एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड और शेड्यूल की, मगर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर आपको आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की तमाम अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती है। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। सो बात करें मेंस एमर्जिंग एशिया कप 2023 की, तो दोस्तों यहां खेला जाएगा 13 जुलाई से 23 जुलाई के बीच और यह पूरा टूर्नामेंट खेला जाना है श्रीलंका के कोलंबो में। इस इवेंट में कुल मिलाकर 8 एशियाई कंट्रीज की टीम पार्टिसिपेट करेंगी और यह सभी टीम्स ओडीआई फॉर्मेट में एमर्जिंग एशिया कप 2023 खेलने वाली हैं। बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने एसीसी एमर्जिंग एशिया कप के लिए टीम इंडिया ए में आईपीएल 2023 के कुछ यंग प्लेयर्स को मौका दिया है और इस प्रकार इस कंप्लीट स्क्वाड पर यदि नजर डाली जाए तो यहां पर यश दुल को कैप्टनसी और अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टनसी दी गई है। इसके अलावा यहां पर साई सुदर्शन, निखिल घोष, प्रदोष रंजन पाल, रियान प्राक, निशांत सिंधु, प्रभ सिमरन सिंह, ध्रुव जुरेल, मानव सुतार, युवराज सिंह ढोडिया, हर्षित राणा, आकाश सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और राजवर्धन अंगेरकर को स्क्वाड में शामिल किया गया है और साथ ही हर्ष दुबे, निहाल वदेरा, स्नेहल पटेल और मोहित रेड्डी को स्टैंड बाय प्लेयर्स में रखा गया है। बात करें अब इसके अलावा शेड्यूल की, तो सबसे पहले सभी 8 टीम्स के ग्रुप की जहां तक बात है तो इंडिया ए को नेपाल, यूएई, पाकिस्तान के साथ ग्रुप बी में रखा गया है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है। बात करें यहाँ पर सेमीफाइनल मैचेस की, तो दोनों ही ग्रुप्स में से टॉप दो दो टीम्स यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जिसमें कि ग्रुप ए की टॉप टीम्स ग्रुप बी की दूसरे स्थान वाली टीम्स के साथ पहला सेमीफाइनल मैच खेलेगी, जबकि ग्रुप ए की दूसरे स्थान वाली टीम ग्रुप बी के फर्स्ट पोजिशन वाली टीम से दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलेगी। और फाइनली यहां पर बात इंडिया ए के मैचेस के शेड्यूल की करें, तो इंडिया ए अपना पहला मुकाबला खेलेगी यूएई के साथ 13 जुलाई को, दूसरा मुकाबला भारतीय ए टीम खेलेगी पाकिस्तान से 15 जुलाई को, तीसरा मुकाबला खेला जाएगा 18 जुलाई को और जो खेला जाएगा नेपाल से। इसके बाद 21 जुलाई को यहां पर दोनों ही सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे और फाइनली 23 जुलाई को हमें एमर्जिंग एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी एमर्जिंग एशिया कप 2023 से रिलेटेड तमाम जानकारियां और इंडिया ए की कंप्लीट स्क्वाड। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ।